कनाडा की ओर से लगातार उकसावे की कार्रवाई के बाद अब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को नई दिल्ली में तलब किया है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार के हालिया कदम पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने सिख चरमपंथी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या के जांच में भारतीय उच्चायुक्त को शामिल करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते और भी खराब हो गए। भारत ने सोमवार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने राजनयिक के खिलाफ आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया है और इसको लेकर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारत ने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के खिलाफ आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आरोपों को बेतुका बताया है और इसके साथ ही इसे जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा का क्या कहना है, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं अभी, डेफिनेटली वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं अपने देश के अंदर, एज वेल एज वो ध्यान भटकाने की राजनीति भी कर रहे हैं। तो मैं दूसरे पॉइंट पे ज्यादा बोलूंगा, ध्यान भटकाने की राजनीति ट्रूडो एक्चुअली फंसे हुए अपने देश के अंदर, क्योंकि एक इंक्वायरी चल रही है कि चाइना ने 2019 में और 2021 में जो इलेक्शंस हुई थी कनाडा की पार्लियामेंट की, उन इलेक्शंस में चाइना ने इंटरफेयर किया और इसने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को जितवाया या पैसे से या लॉबिंग करके या डायस्पोरा चाइनीज के द्वारा, जो कि एमपीज चाइना के फेवर के थे या जो एमपीज चाइना को अपोज करते हैं उनको हरवाया। तो डेटा यह है कि करीब 11 एमपीज ऐसे हैं थे ट्रूडो की पार्टी के जिनको चाइना की इंटरफेरेंस से मदद हुई जीतने में, यानी कि ट्रूडो सरकार बनने में, और 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ऑपोजिशन के थे जो हारे चाइनीज इंटरफेरेंस से। तो ये इंक्वायरी पिछले 1.5 साल से शुरू हुई है कनाडा के अंदर, ये बहुत हॉट पोटैटो आइटम बन गया है। अब इस कमेटी की जो हेयरिंग्स हो रही है, इनफैक्ट परसों आई थिंक अक्टूबर 16 को ट्रूडो को उसमें टेस्टिफाई करना है कि उन्हें क्या पता था। तो ट्रूडो मेरे ख्याल से ध्यान भटकाने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इंटरफेरेंस में वो इनइफेक्टिव थे या उन्होंने जानबूझ के उस इंटरफेरेंस को रोका नहीं, क्योंकि वो इंटरफेरेंस उनको मदद कर रही थी पॉलिटिकली। अब वहां से ध्यान भटकाने के लिए पब्लिक ओपिनियन में अपने देश में वो इंडिया के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ऑफकोर्स इस मामले में उनका जो उनका वोट बैंक है वो भी मदद कर रहा है या कहीं उनको पुश कर रहा है।